आज पूरे दिन भर लखनऊ में सपा का हाई वोल्टेज ड्रामा चला, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता करते हुए सपा पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के अंदरूनी कलह को लेकर उनके समर्थक सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव के नजदीक आते ही सपा और बीएसपी दोनों ही पार्टियां आपसी बंटवारे को लेकर लड़ने का नाटक करने में माहिर हैं। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव से मांग करते हुए सरकार को भंग करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिस प्रकार से बसपा ने 5 साल भ्रष्टाचार किया था, उसी प्रकार बल्कि उससे अधिक भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी सरकार में जो हो रहा है, भ्रष्टाचार में जो एकत्र धन है, उत्तर प्रदेश की जनता को जो लूटा गया है, मुझे लगता है कि वह लूट जनता का लूटा गया जो धन है उसके बंटवारे को लेकर के आज सारी लड़ाई चल रही है। और अपने